गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स सी द पेज नंबर 32। बेटा 32 में क्या है, देखिए आज हम करेंगे, नाउ वी विल डू एडिशन ऑफ थ्री डिजिट्स नंबर्स विदाउट कैरी ओवर। ओके बेटा, एग्जाम्पल फर्स्ट, ओके, एड 423, 102 and 310। बेटा हमें इन्हें ऐड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पुट द नंबर्स इन करेक्ट वर्टिकल कॉलम्स। पहले हमें इन कॉलम्स में लिखना है, यहां हम मेंशन करेंगे वंस, टेंस एंड हंड्रेड। ठीक है, ये थ्री डिजिट वाले बेटा, अभी तक हमने क्या किया था, वंस और टेंस तक ही किया था, आज हम करेंगे हंड्रेड तक। ओके, सबसे पहले हमें वर्टिकल कॉलम में हमें इन्हें पुट करना है। ठीक है, अब 423, 102 and 310। ओके, अब हमें इन्हें ऐड करना है। सबसे पहले हम करेंगे ऐड वंस, ऐड द डिजिट इन वंस कॉलम, वंस कॉलम को ऐड करेंगे बेटा। 3 and 2, 5; 2 and 1, 3; 4 and 1, 5; 5 and 3, 8। ओके, सो 423 + 102 + 310 = 835 इसका आंसर आया। ओके, चले बेटा हम दूसरा एग्जांपल करते हैं। देखिए बेटा, अब हम फाइंड द सम करेंगे, इसमें पहले से ही अरेंज्ड है। ठीक है, सिर्फ आपको क्या करना है, वंस, टेंस और हंड्रेड। बेटा बुक में है जो, तो एज इट इज कर लेना, लेकिन नोटबुक में आपको वंस, टेंस, हंड्रेड मेंशन करना है। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ऐड वंस, मतलब इसको वंस वाली डिजिट को ऐड करेंगे। पहले में क्या है बेटा, 4 and 3 को हम प्लस करेंगे। अब सेम आपको जैसे कि मैंने पहले बताया था, 4 जो बड़ा नंबर होता है उसको हम माइंड में रखेंगे और 3 नंबर को फिंगर पर काउंट करेंगे। ठीक है, 4 नंबर कीप इन माइंड एंड 3 नंबर काउंट ऑन फिंगर, फिंगर पर काउंट करना हमें। देखिए 3 नंबर 1, 2, 3 टेक, जो हमने माइंड में रखा था हम उसे वापस लेंगे। 4 के बाद वाला नंबर लिखना है, यहाँ पर बाद वाला काउंट करना है, 4, 5, 6, 7 वंस प्लेस पर इन राइट 7। ओके, अब नेक्स्ट है बेटा 10, टेंस प्लेस को हम ऐड करेंगे। ठीक है ना, एट द टेंस 6 and 2 को ऐड करना है। अब इनमें से देखना है बेटा विच इज द लार्ज नंबर, 6 नंबर इज द लार्ज नंबर। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कीप इन 6 नंबर कीप इन माइंड एंड 2 नंबर काउंट ऑन फिंगर। ओके, 6 take 6, 7 and 8 राइट हेयर, राइट 8 इन टेंस प्लेस। ओके, अब नेक्स्ट है 5 and 2 को हमें प्लस करना। अब देखो बेटा 100 प्लेस वाला, हमें एड द डिजिट इन 100 कॉलम, अब हमें 100 वाले कॉलम को प्लस करना है। 5 and 2 क्या हुआ बेटा, 5 नंबर कीप इन माइंड एंड 2 नंबर काउंट ऑन फिंगर। ठीक है, टेक 5, 6, 7 524 + 263 तो बेटा इक्वल क्या आ गया, इज इक्वल टू 787। बेटा नेक्स्ट सम सोल्व करना है। ओके, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, वंस, टेंस और हंड्रेड मेंशन करना है। ओके, एट द डिजिट इन द वंस कॉलम को हमें ऐड करना है। वंस कॉलम बेटा कौन कौन से नंबर है, 4 and 3 नंबर है। ठीक है, जो नंबर बड़ा है वो हमें उन्हें माइंड में रखना है। 4 नंबर कीप इन माइंड एंड 3 नंबर काउंट ऑन फिंगर, 1, 2, 3। ठीक है, टेक 4, 5, 6, 7 नंबर 7 राइट इन वंस कॉलम। ओके, अब हमें क्या करना है, एट द डिजिट इन द टेंस कॉलम को ऐड करना है। अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, 6 नंबर है, तो 6 नंबर कीप इन माइंड एंड 2 नंबर काउंट ऑन फिंगर, 1, 2 टेक 6, 7, 8। अब 8 नंबर हम कहाँ लिखेंगे, टेंस कॉलम में लिखेंगे, है ना, टेंस यहाँ पे टेंस लिखा हुआ है इधर, ये नहीं कि आप इसको यहाँ लिखेंगे तो बेटा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जो अगर आप वंस को ऐड कर रहे हैं, वंस डिजिट को, तो वंस में लिखना है, टेंस वाले को टेंस में लिखना है। ठीक है, अब हम प्लस करेंगे ऐड, एट द हंड्रेड, एट द डिजिट इन द हंड्रेड कॉलम को ऐड करेंगे। ठीक है,
100 कॉलम में क्या क्या है, 2 एंड 1, टू नंबर कीप इन माइंड एंड वन नंबर काउंट ऑन फिंगर. अब देखो बेटा वन नंबर है ये, टेक 2 एंड 1 3. अब ये हम क्या लिखेंगे, 100 कॉलम में लिखेंगे 3, ठीक है. अब हमने क्या किया है बेटा, 123 प्लस 264 को प्लस करने के बाद में क्या आंसर आया है, 387. अब देखिए नेक्स्ट सम सॉल्व करना बेटा. अब देखिए वंस टेंस एंड हंड्रेड, वही सबसे पहले हमें क्या बेटा, एट द डिजिट इन द वंस कॉलम, वंस कॉलम को ऐड करना है. अब आपको जैसा कि आप जानते हैं बेटा 8 एंड 1 क्या होता है, 9. किसी नंबर को जीरो से प्लस करेंगे तो बेटा हमेशा नंबर ही आएगा, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती बेटा, नहीं है ना जीरो का. तो 4 प्लस 0 तो क्या जाएगा, 4 आएगा, ठीक है. अब हम 100 कॉलम को प्लस करेंगे, इसमें कौन कौन से नंबर है, 5 एंड 2 है, तो क्या आएगा, 5 नंबर कीप इन माइंड एंड 2 नंबर काउंट ऑन फिंगर, 1 2 5 6 7. ओके, अब नेक्स्ट टर्म सोल्व करेंगे बेटा. देखिए 9 को 0 से हमने प्लस किया है, सबसे पहले वंस टेंस और 100, ठीक है. सबसे पहले क्या करना हमें, एड वंस, 9 को 0 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 9. अब देखिए टेंस कॉलम देखिए बेटा, इसमें कौन कौन से नंबर है, 5 एंड 4 है, तो जो बड़ा नंबर है उसको हम कहाँ रखेंगे, माइंड में रखेंगे. 5 नंबर कीप इन माइंड एंड 4 नंबर काउंट ऑन फिंगर, 1 2 3 4, ठीक है. जो हमने माइंड में रखा था वो हम वापस लेंगे, टेक 5 6 7 8 9, 9 नंबर राइट इन टेंस कॉलम. ओके, अब हम 100 को प्लस करेंगे, एड हंड्रेड्स, ओके, 2 एंड 1, 2 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 3. ओके, 149 प्लस 250 को हमने प्लस किया तो बेटा क्या आया, 399. अब ये सम्स बेटा आपको खुद को सॉल्व करना है, ओके, बुक में भी करना है और नोटबुक में भी करना है, ठीक है. अब बेटा इधर आ जाइएगा, पेज नंबर 33. देखिए बेटा वो वर्टिकल, जो वर्टिकल कॉलम में अपन ने किया था, देखिए इसमें क्या था, 2 नंबर्स को ऐड किया था हमने, ठीक है. अब इसमें क्या है बेटा, 3 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है. जैसे 106, 501, 291, ठीक है. अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, वंस टेंस और 100, ठीक है. अब 6 1, एंड सबसे पहले क्या करना बेटा, एट द डिजिट इन द वंस कॉलम को ऐड करना है. 6 को हमने क्या किया बेटा, इसमें से कौन सा बड़ा नंबर है, 6, तो 6 नंबर कीप इन माइंड एंड 2 नंबर, 1 नंबर काउंट ऑन फिंगर, टेक 6 एंड 1 कितने हो गए बेटा, 7 हो गए, ठीक है. अब 7 में 1 प्लस करेंगे तो क्या जाएगा, 8. ऐसे देखिए, अब ये 0 प्लस 0 प्लस 9, अब 0 का कोई मीन नहीं होता बेटा, ठीक है. तो जब हम किसी भी नंबर को 0 से प्लस करते हैं तो नंबर ही आता है, ओके. अब हमें प्लस करना है, एट द डिजिट इन द 100 कॉलम को ऐड करना है. 100 कॉलम में क्या क्या है बेटा, 1 प्लस 5 प्लस 2, ओके. अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 5. 5 नंबर कीप इन माइंड एंड 2 नंबर काउंट ऑन फिंगर, 1 2, ओके. टेक 5 6 7, 7 और 7, अब ये क्या आ गया बेटा, 5 और 2 कितना आ गए, 7. 7 में हम 1 प्लस करना है, ऐसे ही हमें 7 को क्या करना है, माइंड में रखना है. 7 नंबर कीप इन माइंड एंड 1 नंबर ऑन फिंगर, ठीक है. 7 और 1 कितने हो गए बेटा, 8. 8 हमें कहाँ लिखना है, 100 कॉलम में लिखना है, ओके. अब देखिए नेक्स्ट सम देखिए बेटा, 6 है, अभी क्या है, 300, 406 और 200 को हमें प्लस करना है, 1 10 एंड 100, ओके. 6 को 0 से प्लस करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 6. 6 को फिर 0 से प्लस किया तो क्या आएगा, 6. अब 0 को 0 से प्लस करेंगे, 0. 0 को 0 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 0 ही आएगा, ओके. अब हम ऐड करेंगे, एट द डिजिट इन द 100 कॉलम को ऐड करेंगे. इसमें कौन कौन से नंबर है, 3 प्लस 4 प्लस 2, 3 एंड 4 7, 7 एंड 2 9,
ओके नेक्स्ट सम देखिए बेटा, वंस टेंस एंड द हंड्रेड। एड द डिजिट इन द वंस कॉलम, वंस कॉलम को ऐड करेंगे। वंस कॉलम बेटा कौन कौन सा नंबर है, सिक्स एंड द थ्री। अब सिक्स नंबर कीप इन माइंड एंड थ्री नंबर काउंट ऑन फिंगर, वन टू थ्री। टेक्स जो माइंड में रखा है उसे हम वापस लेंगे, टेक्स सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन लिखना है ठीक है। अब हमें क्या करना है, एड टेंस, टेंस में कौन कौन से हैं, सिक्स प्लस टू। सिक्स एंड टू कितने होते हैं बेटा, सिक्स नंबर कीप इन माइंड एंड टू नंबर काउंट ऑन फिंगर, वन टू। अब हम माइंड से लेंगे टेक्स सिक्स सेवन एट, एट नंबर हम लिखेंगे टेंस कॉलम में। अब हमें प्लस करना है हंड्रेड कॉलम में, हंड्रेड कॉलम में क्या क्या है बेटा, सेवन। हंड्रेड्स कॉलम में बेटा कौन कौन से होते हैं, सेवन वन एंड वन है। सेवन एंड वन कितने हुए बेटा, एट। एट सेवन और सेवन में वन प्लस किया तो क्या हुआ, एट। एट में वन प्लस किया तो क्या आया, एट। ओके अब बेटा देखिए, अब फोर सम्स इसमें कराए हैं और थ्री सम्स मैंने इसमें सोल्व करे हैं, किए हैं, और ये सम्स आपको खुद को सोल्व करने हैं। ये बेटा आपका होमवर्क है ठीक है, ये आपको बुक में भी करना है और नोटबुक में भी करना है ठीक है बेटा। नोटबुक में बेटा जब आप वर्क करेंगे तो आप वंस टेंस हंड्रेड मेंशन जरूर करेंगे ठीक है। आपको अच्छे से चैप्टर फोर लिखना है और आपको नीचे अंडरलाइन भी करनी है। यहाँ पे आप इस तरह से आपको बेटा करना है होमवर्क में, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको डेट मेंशन करनी है, आज क्या है बेटा 21 जुलाई 20। इधर आपको क्या मेंशन करना है, क्लास वर्क ठीक है, क्लास वर्क में तो क्लास वर्क डालना है। और यहां आप डालेंगे चैप्टर फोर, चैप्टर फोर में क्या है बेटा एडिशन, चैप्टर फोर है, थर्ड है, चैप्टर थर्ड है बेटा ये सॉरी ठीक है। इसमें क्या है एडिशन, यहां हम लिखेंगे एडिशन ऑफ थ्री डिजिट नंबर, ये लिखा हुआ है बेटा ठीक है। जो ये वाले सम्स क्या है, एडिशन ऑफ थ्री डिजिट्स नंबर, विदाउट कैरी ओवर, ठीक है बेटा। बहुत सुंदर सुंदर आपको लिखना है और यहां से फिर आप सम्स सोल्व करेंगे ठीक है। फाइंड द सम्स, फाइंड द सम ठीक है बेटा। इसके नीचे आपको कलर से अंडरलाइन करनी है ठीक है, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी अंडरलाइन करनी है कलर से। आप ब्लू कलर यूज कर सकते हैं ठीक है। यहां आपको डे भी मेंशन करना बेटा, ट्यूसडे। आपको बहुत सुंदर सुंदर वर्क करना है, क्लास वर्क लिखना है, और जब होमवर्क करेंगे तो आप यहाँ पर होमवर्क मेंशन करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।